हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर आज की रीडिंग होने वाली है कि आपको क्या करना चाहिए, अपने लाइफ में क्या करना है। वो दिव्य आत्मा, वो दिव्य परमेश्वर, गॉड, एंजल आपको क्या बोल रही हैं कि आपको क्या करना चाहिए, यानी आप कौन सा कार्य करेंगे जो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आपके घर परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा। यानी ये आपके लिए बेटर रहेगा कि आप वो कार्य करें जो सबके हित के लिए हो, जो सबके भलाई के लिए हो। तो कार्डों के द्वारा हम जानेंगे कि आपको कौन सा काम करना चाहिए। यहाँ पे बहुत ही प्यारा कार्ड निकल कर आया है गाइस, क्रिएटिविटी का कार्ड आया है। तो आप गॉड ईश्वर बोल रहे हैं कि आपको वो काम करना चाहिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा रुचि लगती हो, जिसमें आपका मन लगता हो, वही काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता और सक्सेस मिल सकती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी कोई ना कोई ऐसे क्रिएटिव फील्ड से आप संबंध रखते हैं गाइस, जैसे कलाकार हो सकते हैं, पेंटिंग हो सकते हैं, या अभिनय के क्षेत्र में हो सकते हैं, या फिर यूट्यूबर हो सकते हैं, टैरो रीडिंग हो सकते हैं, या पाम लीडर हो सकते हैं, यानी कुछ ना कुछ ऐसे रेकी भी आ सकती है आपको। ऐसे क्रिएटिव फील्ड में आप बहुत ज़्यादा नाम कमाएंगे गाइस। आप ये काम करिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुफलदायी होगा। यानी क्रिएटिविटी के फील्ड में आप अगर आगे जाना चाहते हैं तो आप चांद को भी छुएंगे, उसमें आपको सक्सेस और सफलता बहुत ज़्यादा मिलने वाली है गाइस। यहाँ पे आपने अपने अस्तित्व को ढूंढने का कोशिश किया है, उसको ढूंढते रहिए। यानी अपने एग्जिस्ट का कार्ड आया गाइस, तो आप अपने अस्तित्व को ढूंढ रहे हैं, अपने आप को ढूंढ रहे हैं कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ, ये सब बातें आपके मन में चल रही हैं। तो ये सब बातें आपको जो है बहुत ही सच्ची राह दिखाएंगी गाइस। जिन्होंने जान लिया कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये सब बातें जो हैं, आपने अपने अस्तित्व को जान लिया, अपने आप को जान लिया, और ऐसे इंसान ईश्वर के और दिव्य परमात्मा के बहुत करीब होते हैं गाइस, जो अपने को जानने की कोशिश करते हैं। जो पहले अपने आप को जानेंगे, उसके बाद लोगों का भला करेंगे, उनको मदद करेंगे। तो सबसे पहले अपने आप को जानना चाहिए। तो आपको दिव्य आत्मा बोल रही है, सबसे पहले आप अपने आप को जानें, अपने आप को समझें, उसके बाद आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा जागृत कर सकते हैं, क्योंकि आपको डिवाइन के तरफ से ब्लेस प्राप्त है गाइस। यहाँ पे देख लीजिए, आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, ईश्वर बोल रहे हैं, जो भी आप मनोकामना करेंगे। टूटे हुए तारे का कार्ड आया है, तो आपकी हर एक विश पूरी हो गई जो आप चाहते हैं गाइस। यहाँ पे आइसोलेशन का कार्ड आया है, तो आत्मा या दिव्य परमात्मा जो बोल रहे हैं, आपको दुखी नहीं रहना है, परेशान नहीं रहना है, आइसोलेशन में नहीं रहना है, आपको रोना नहीं है, बल्कि आपको जैसे ये आदमी है बर्फ में छुपा हुआ है, यानी बर्फ इसके ऊपर जमा हुआ है, तो आप घबराएं नहीं, डरे नहीं, बल्कि इस बर्फ को तोड़ कर बाहर आएं। यानी आप अपने डर को कम करें, अपने हिम्मत को ज़्यादा रखें, आप कॉन्फिडेंट रहें, तभी इस दुख रूपी बर्फ को तोड़ पाएंगे, तभी आप बाहर आ पाएंगे, आइसोलेशन से बाहर आ पाएंगे, तभी जाके आप एक पूर्ण इंसान बनेंगे। पूर्ण इंसान का मतलब, तभी आप अपने आप को जानेंगे, यानी दुखों को छोड़िए, मोह माया छोड़िए, तब जाके आप एक परफेक्ट इंसान बनेंगे गाइस। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। इंटेंसिटी के साथ आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं गाइस, जो आपने मैनिफेस्ट किया है, वो बहुत तीव्रता से आपके लाइफ में आ रही हैं, बहुत जल्दी से आपके लाइफ में पूरी होने वाली है। वो आत्मा बोल रही हैं, वो परमात्मा बोल रहे हैं कि ज़रूर से ज़रूर आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें सकारात्मक रूप से आ रही हैं आपके लाइफ में, और आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बहुत सडनली चेंज आने वाला है आपके लाइफ में, पॉजिटिव रूप में आपकी लाइफ ही पूरी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे गॉड बोल रहे हैं, एंजल बोल रही हैं आपके लिए। आपको बोला जा रहा है गॉड की तरफ से, ये मैसेज आया है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, वो अकेलापन महसूस मत करिए, दुखी मत।
यहाँ पे आपको ईश्वर के द्वारा बोला जा रहा है कि आपको अकेले नहीं रहना है, अकेले बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि इंसान का जो दिमाग होता है अकेले रहने से और ख़राब होता है, शैतान का घर होता है। तो आप अपने दिमाग में पॉजिटिव चीज़ सोचें, पॉजिटिव चीज़ करें और अकेला कभी फील ना करें, अपने साथ उस दिव्य परमेश्वर को महसूस करें। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, या फिर आप अपने आपको बिजी रखें, अपने कामों में बिजी रखें, अपने कार्यों में बिजी रखें, या जिस चीज़ में आपको रुचि लगती है, संगीत सुनना है संगीत सुनिए, मंत्र उच्चारण करना है मंत्र उच्चारण करिए, यानी खाली दिमाग अपना कभी मत छोड़िए, कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ करते रहिए। नहीं हो तो आप डांस करिए, नहीं है तो आप पेपर पढ़िए, नहीं है तो बुक पढ़िए, कुछ ऐसी क्रिएटिव चीज़ करेंगे तो आपका जो अकेलापन है, जो भी आपकी सैडनेस है, वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। गाइस, यही रीडिंग थी कि आपको क्या करना चाहिए। इसमें से आप दो तीन चीज़ भी आप फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ जो है बहुत सक्सेस रहेगी। गाइस, थैंक यू एवरीवन।